हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स न्यू मॉर्निंग न्यू डे और अब जो है मेरा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। ये मेरा रूम है, मैं रूम अभी आपको जा नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इट्स कम्प्लीटली मेस्ड अप। और ये मैंने लिया है पकौड़ी में, पकौड़ी इज अराउंड हर्सिल और गंगोत्री के बीच में है, तो मैंने पकौड़ी में ये जगह लिया था। ठीक ठाक था, 700-800 के आसपास यहाँ पे रूम्स मिल रहे थे। भैया ने 1200 की बात की, मैंने नेगोशिएट करके इसको 700 पर करा लिया। और ये मतलब ठीक है, डबल बेड, इंग्लिश टॉयलेट, सब कुछ है यहाँ पे। तो भगोड़ी में भी एक बार रुकने का आपका ऑप्शन है अगर आप हर्षिल में रुकना चाहते हो। हर्षिल थोड़ा सा कंपेरेटिवली महंगा है, वहाँ पे अमेनिटीज़ कुछ है नहीं और महंगा बहुत है। तो अब जो मेरा प्लान है वो है यहाँ से अब लौटने का, लौटना ऋषिकेश तक का लौटना, उसके बाद फिर आगे का जयपुर का। तो आप जो जर्नी देखेंगे वो ऋषिकेश तक देखेंगे। एक परमिशन का मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट अ परमिशन फॉर नेलोंग वैली। तो आई जस्ट गॉट अ परमिशन। मैं ब्लॉग करते करते मेरे पास फ़ोन बजा, फ़ोन मालूम चला कि मुझे परमिशन मिल गया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू नेलोंग वैली और अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो नेलोंग वैली दिखाने वाला हूँ। नेलोंग वैली के बारे में आपको मैं रास्ते बताता हूँ और जल्दी चलते हैं, अपन निकलते हैं यहाँ से। सो वी आर अप टू नेलोंग वैली और प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। Now I should tell you something about Nelong Valley. Nelong Valley जो है basically ये ऐसा एक गांव है Nelong जो इंडिया के मैप में नहीं है। ये basically चाइना अपने मैप में दिखाता है और ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया ने कैप्चर कर रखा है। अलग अलग समय पे चाइना से वॉर हुए, 1962 में हुआ, 62 के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि वहाँ पे वी वेयर डिफीटेड। लेकिन उसके बाद 67 में भी हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ होने के बाद फिर 67 में भी हुआ था, बहुत अच्छा खासा वॉर हुआ था। और उसके बाद समय समय पे चाइना से वॉर होता रहा है, वॉर तो नहीं लेकिन हाँ कुछ झड़प जो है होता रहा है। पिछले कुछ 5-7 सालों में अगर आपने देखा हो तो कई बार ये न्यूज़ में भी आया है कि थोड़ी सी ज़मीन के लिए, ऐसा कुछ के लिए चाइना ने अपने टेंट्स लगा दिए, कहीं कुछ कर दिया। तो अगर चाइना अगर कुछ करता है तो इंडिया भी करता है, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन आर्मी जो है वो नहीं करती। तो ये जो नेलोंग वैली है, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जगह के लिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने चाइनीज़ विलेज जो है, चाइनीज़ एरिया जो है वो कैप्चर कर रखा है। और इस विलेज में इंडियन आर्मी के ट्रूप्स रहते हैं और वहाँ पर उनकी पलटन है पूरी की पूरी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जगह जाने के लिए। और हाँ, बेसिकली मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है इसलिए और है क्योंकि यहाँ पे मतलब नेचर जो है और मैं वो देख सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ से ग्लेशियर्स जो है मैं बिल्कुल टच कर सकता हूँ, जो मैंने सुना है कि ऐसी जगह है। रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कैमरा ऑन करना अलाउ रहेगा। अलाउ रहा तो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, नहीं तो वहाँ से लौट के आने के बाद बता दूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं वहाँ दिखा पाऊंगा। मैंने बात की है, आर्मी लोकेशंस जो है उनको कवर नहीं करना है, उसके अलावा जो भी लोकेशन है मैं अगर नेचर कवर करना चाहूँ तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है, जो कि एपिसोड बनने वाला नहीं था लेकिन ये बन रहा है। तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें, कितने एपिसोड्स में बनेगा ये भी मुझे नहीं मालूम है। और ये क्या हो गया यार, थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया। और हम लोग अभी नेलोंग घाटी के ठीक बाहर खड़े हैं। हमें परमिशन यहाँ पे भी फॉरेस्ट से लेना होता है, पहले SDM से लेना होता है परमिशन, उसके बाद यहाँ पे पैसे जमा करा के, पैसा जमा कराना मतलब पर हेड 150 रुपीज़ और गाड़ी का 250 रुपये, ये आपको जमा कराना पड़ता है। जितने लोग हैं उतना आपको पैसा देना पड़ेगा, पर हेड 150 और एक गाड़ी का ₹250। ये देने के बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको SDM उत्तरकाशी का परमिशन होना ज़रूरी है। तो ये नेलोंग घाटी का गेट है, अब ये गेट खुलेगा उसका हम जाएंगे। बगल में एक और गाड़ी खड़ी है, हम इसके पीछे जाएंगे क्योंकि इनके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा नेलोंग घाटी के थोड़ा और भी आगे जा सके। और हम लोग निकल गए, हम लोग एक दो लोग और हैं अभी गाड़ी में, यहाँ पे गेट से फिर हम लोग मिले थे। और ये बेसिकली गेट जो है ये फॉरेस्ट के अंडर में है और आगे जो गाँव है वो आर्मी का है। तो ये हम लोग नेलोंग वैली में एंटर कर चुके हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कल जो हाँ हम गरांग गली गए थे, गरतांग गली का रास्ता है और वहाँ से कल मैंने ये रोड आपको दिखाया था, वो खाई वाली जो रोड थी सामने, हम उसी रोड पे आ गए हैं। एंड दिस रोड इज गोइंग टूवर्ड्स नेलोंग वैली और नेलोंग वैली से आगे जो है वो फिर क्या है भैया उसके आगे, नेलोंग वैली जाडून
जाडू में, और उसके आगे कौन सा बॉर्डर लगता है? इंडो चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर के आगे लगता है। अब अगर अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये सामने वाला जो रास्ता है सामने की पहाड़ी का, दैट इज गरतांग गली, और ये रास्ता जो है अभी जा रहा है निलोंग गली। बीच में लैंडस्लाइड के कारण रोड टूटे हुए हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल पूरा ऑफ रोडिंग है, और ये पूरा रोड देखो धसा हुआ है और बिल्कुल पतला है। यहाँ पे आगे फिर मुझे दिख रहा है कि रोड बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से आर्मी का कन्वॉय पास होता है, इसलिए रोड तो जरूर बने हुए हैं और रास्ता भी है। आप लोग गाड़ी चलती है यहाँ पे फॉरेस्ट की? हाँ, तो आप लोग जाते हैं ऊपर? हाँ, वहाँ पे हम जाते हैं। मतलब आप लोग वहाँ तो आर्मी है, तो फिर आप लोग का कुछ काम है वहाँ पे? हमारा क्षेत्र है तो। अच्छा, क्षेत्र है फॉरेस्ट का। अच्छा, तो यहाँ कोई वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एक्टिविटी है यहाँ पे कोई? है फॉरेस्ट में कोई वाइल्ड एनिमल है यहाँ पे? हाँ है। क्या क्या है? सुंदरगढ़ है, भालू है। अच्छा, भालू है यहाँ पे, और ये लेपर्ड भी है क्या? लेपर्ड है। और डियर कौन सा, वो डियर बोलते हैं? ब्लू डियर है। हाँ, वो भी है। तो आप लोगों ने देखा है कभी इस रोड पे इस तरह? हाँ, देखा है। अभी मैं आपको गरतांग गली का जो लकड़ी वाला, जो आपने गरतांग गली वाले एपिसोड में देखा होगा कि जो लकड़ी वाला पुल था जहाँ तक तो नीचे तक गए थे, वो वाला एक लोकेशन से दिखेगा। पीछे भैया हमारे साथ बैठे हैं फॉरेस्ट के, वो अभी मुझे इस बारे में बताएंगे कहाँ पे भैया। जहाँ दिखेगा बताना है, वो मंदिर है। ठीक है, वो मंदिर है सामने, वहाँ पे भी रुकने वाले हम लोग। ये जो सामने आप पुल खाई के पास जो ये देख रहे हैं, ये जो लकड़ी का पुल है, कल गरतांग गली वाले जब हम पास पे गए थे तो यही वाला पुल था। ये रास्ता था और यहाँ पे आके हम रुके थे, और ये है वो सारा रास्ता, ये सारा पुल। ये गरतांग गली का रास्ता है। गरतांग गली का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए। ये वो लकड़ी का पुल, और यहाँ से कल मैंने ये रोड भी दिखाया था आपको। मैं बिल्कुल अभी खाई पे खड़ा हूँ, एज पे खड़ा हूँ, और वहां से ये नीचे गंगा नदी बह रही है, और ये हमारा रास्ता जिस रास्ते अभी हम आए, और वो गाड़ी आगे निकल गई तो हमें भी अब आगे निकलना चाहिए। भैया बीच बीच में रास्ता ऐसे टूटा हुआ क्यों है? यहाँ अभी काम नहीं हुआ ना, बीच बीच काम नहीं हुआ या लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे? ना, काम नहीं हुआ। अच्छा, काम नहीं हुआ, रुका हुआ है। लैंडस्लाइड होता है क्या इस जगह पे? हाँ, यहाँ पे होता है। होता है ना? हाँ। ये क्योंकि आगे देखो ये पत्थर बांध के रखे हुए हैं ये नेट्स में, कि ऊपर से पत्थर ना गिरता रहे। अरे ऊपर से यहाँ पे टूटता है बहुत ज्यादा ना, बहुत टूटता है। यहाँ पे कुछ बन भी रहे? हाँ, यहाँ ब्रिज बन रहा है। तक का जा रहा है ये सामने वाली पहाड़ी का? पुराना रास्ता था ये ना, बॉर्डर तक का जाने का। और यहाँ से बॉर्डर कितना दूर पड़ता होगा पैदल? ये वाला जो रास्ता बना है सामने वाली पहाड़ी का, ये वाला? हाँ जी, वो है उतने जो रूट। अच्छा, जो ये वाला रूट है 23 किलोमीटर का? 23। अच्छा। अभी जो पीछे आपने जो टूटा हुआ रास्ता देखा, बेसिकली वहाँ पे पुल बन रहा, है भैया। पुल का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दो रोड सही हो जाएंगे। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि रोड सही बने हुए हैं। ये क्या बीआरओ ही बनाता होगा इस रोड को? तो बीआरओ के पास ही होगा। आर्मी कॉन्वॉय पार होता होगा तो रोड की तो जरूरत पड़ेगी। आर्मी कॉन्वॉय तो पार होता रहता होगा यहाँ से, आर्मी की गाड़ियाँ तो जाती होगी ना यहाँ से। हमारी दूसरी वाली गाड़ी लगता आगे चलेगी। आप जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये पागल नाला है, और इसको अभी देखो पहले ये गाड़ी क्रॉस कर रही है, ये टेम्पो ट्रैवलर, ये क्रॉस कर जाए तो फिर हम इसके आगे फिर बढ़ेंगे।
और इसको पागल नाला इसलिए बोलते हैं, ग्लेशियर का पानी आता है इसमें और कभी ज्यादा कभी कम, ये कुछ भी हो जाता है इसमें। चलो टेम्पो ट्रैवलर से क्रॉस करके अब भगवान का नाम लेके हम भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं।